मैप में दिखा रहा है बस थोड़ा सा जगह, यहाँ से वो मिजोरम का बॉर्डर स्टार्ट हो गया सामने, अगर रोड पे देखेंगे। हेलो गाइस, एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जो सिलचर, असम के सिलचर से मिजोरम में जाने का जो रोड है NH 306, वो जाके वहाँ पे मिजोरम के बॉर्डर का सीन कैसा है, मतलब वो दिखने में कैसा लगता है, वो दिखने में जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं बिल्कुल पास में आ चुका हूँ। मैप में दिखा रहा है बस थोड़ा सा जगह, यहाँ से वो मिजोरम का बॉर्डर स्टार्ट हो गया सामने, अगर रोड पे देखेंगे तो ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो मिजोरम का पहाड़ है। वो आप इस साइड भी देख सकते हैं, ये मिजोरम वाला एरिया है, ये सामने जाके पूरा मिजोरम आया है। तो सीधा बॉर्डर पे पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं देखने में कितना सुंदर लगता है। के पहाड़ के बॉर्डर के जितने पास आ रहा हूँ, पहाड़ों के खूबसूरती से मेरा मन एकदम से भरे जा रहा है, पूरा मन भर रहा है। भी ये जो जगह है बिल्कुल बॉर्डर के पास, ये असम का ही जगह है, ये है लैलापुर। हाँ, ये लैलापुर है, और लैलापुर के बाद ही, तुरंत बाद ही मिजोरम का बॉर्डर, ये सामने जहाँ पे वो गाड़ी का बहुत पोल्यूशन हो रहा है वो जगह के बाद आता है। मैंने एक चेक गेट क्रॉस किया है, उसके बाद अब देख सकते हैं मिजोरम से आने का ये सारा गाड़ी कैसे ट्रक लाइन में बैठे हुए, पता नहीं क्यों, शायद ये चीज़ लेके बैठे होंगे। ये आप देख सकते हैं ये मिजोरम का है ये एरिया, और ये जो चेक पोस्ट है यहाँ से मिजोरम का स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल अंदर तो नहीं जाऊँगा, यहाँ से मैं अपना गाड़ी टर्न करके चला जाऊँगा। मैं जब सामने देख सकते हैं वो पहाड़ बहुत खूबसूरत, कैमरा में प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ सामने CRPF की चेक पोस्ट है, यहाँ भी CRPF की गाड़ी वगैरह है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रुक गया हूँ, क्योंकि वहाँ CRPF से मैंने बात किया है और चेक गेट में, तो वो बोल रहा है सामने जाके शायद कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे कि आधार कार्ड वगैरह दिखाना पड़ सकता है वहाँ पे। तो वो सब अभी फ़िलहाल ये सारा चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से टर्न कर रहा हूँ। देख ले वहाँ से, यहाँ से मैंने देख लिया प्रॉपर प्रॉपर, मतलब अंदर तो नहीं गया लेकिन मुझे लग रहा है वो बहुत खूबसूरत ही होंगे, क्योंकि यहाँ से जितना खूबसूरत दिख रहा है मुझे। ये जो गाड़ी का लाइन दिख रहा है आपको, ये शायद इसलिए होंगे क्योंकि असम में चल रहा है आज ADRE, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का Grade 3 और Grade 4 के लिए चल रहा है एग्ज़ाम। तो इसके लिए गवर्नमेंट रूल है कि ये सब हैवी व्हीकल नहीं चलना चाहिए आज, हो सकता है इसलिए ये गाड़ी सब रुका हुआ है। शाम तक वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये गाड़ी चलना स्टार्ट कर देंगे।